नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ड्यूबडी सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ड्यूबडी पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते टाइम अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, मतलब आप अभी साइंस स्ट्रीम में हैं, आपको आर्ट स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, हो सकता है आप आर्ट्स में हैं, कॉमर्स में जाना है, कॉमर्स में हैं, आपको आर्ट्स में जाना है, तो वैसे में क्या आपको सीयूईटी में जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास ट्वेल्थ में नहीं पढ़े वो लेने पड़ेंगे, या आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा? अपने सब्जेक्ट्स मतलब मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो गए, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसे करके जो भी सब्जेक्ट्स आर्ट्स के होते हैं वो हो गए, कॉमर्स वाले हैं उनके अपने सब्जेक्ट्स हो गए, तो क्या उनको सीयूईटी दूसरी स्ट्रीम के बेसिस पे देना पड़ेगा जहां पे उनको एडमिशन लेना है, या फिर जो उनके खुद के सब्जेक्ट्स हैं क्लास ट्वेल्थ में उसके बेसिस पे उनकी स्ट्रीम चेंज हो जाएगी? तो देखिए, ये एक आर्टिकल है स्ट्रीम चेंज की पॉलिसी, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाई है, बिल्कुल ऑफिशियल जो डीयू के वाइस चांसलर हैं उनकी वर्डिंग्स इन्होंने यहां दी हुई है। डीयू एडमिशन सीयूईटी 2022, हेयर इज हाउ यू कैन चेंज स्ट्रीम। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कैन चेंज स्ट्रीम बाय अटेंडिंग सीयूईटी एग्जाम इन सब्जेक्ट्स दे हैव स्टडीड इन क्लास 12th रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रीम दे विश टू टेक एडमिशन इन। इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रीम चेंज अपने जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप सीयूईटी में दूसरे सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े ही नहीं अभी तक, मतलब एक महीने में पूरा आपको आर्ट्स का हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं होगा। जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही आपको लेने हैं, जहां आपको एडमिशन चाहिए वो सब्जेक्ट्स मैंडेटरी नहीं है कि आप हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए तो हिस्ट्री में सीयूईटी दें, ऐसा नहीं, अपने सब्जेक्ट्स में सीयूईटी देना है आपको। नीचे बाकी देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये है कि भाई डीयू के वाइस चांसलर ने पॉलिसी को बताया है मीडिया के सामने, नॉर्मल सी चीज है। अब देखते हैं कि सिंह सेड दैट द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द सीयूईटी एग्जाम ओनली इन दोज सब्जेक्ट विच दे हैव स्टडीड इन द क्लास 12th एंड अ मैंडेटरी लैंग्वेज इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द सीयूईटी एग्जाम। मतलब जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसी में आपको सीयूईटी देना है, उसके साथ साथ एक लैंग्वेज आपको सीयूईटी की देनी पड़ेगी। सीयूईटी में बहुत सारी लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी मेनली रहने वाली है स्टूडेंट्स की, तो एक लैंग्वेज देंगे, बाकी आप अपने सब्जेक्ट्स देंगे। अ स्टूडेंट हु विशेस टू चेंज देयर स्ट्रीम कैन डू इट बाय अटेंडिंग द सीयूईटी 2022 ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स दे हैव स्टडीड इन क्लास 12th रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रीम दे विश टू टेक एडमिशन इन। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है तो आप क्लास 12th के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में सीयूईटी दीजिए, और बाद में आप आपकी जो बेस्ट 3 बेस्ट 4 के मार्क्स कैलकुलेट होंगे अपने आप स्ट्रीम चेंज आप वहां पे कर पाएंगे। अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सीयूईटी में कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि एक साइंस का स्टूडेंट है जिसने क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या आईपी कुछ उसका सब्जेक्ट होगा, और वो हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि वो आर्ट्स में हिस्ट्री का हिस्ट्री उसको सीयूईटी में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है, जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं वही आपको चूज करने हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको जर्नल टेस्ट देना पड़ जाए, जनरल टेस्ट जो डीयू ने अभी एक टेस्ट होगा जिसमें आपकी करंट अफेयर्स वगैरह होगी, वो एक एक्स्ट्रा टेस्ट देना पड़ सकता है किसी किसी कोर्स के लिए। अभी हर एक कोर्स की कोर्स लिस्ट नहीं आई है, जैसे ही आएगी उसको भी मैं अपने चैनल पर डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डीयू एडमिशन पॉलिसी 2022, अ स्टूडेंट हु हैज लर्न द सब्जेक्ट सच एज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ओनली नीड्स टू attend these subjects and the mandatory language section in the CUET exam even if she wishes to get admission in the another stream। मतलब वही बात है कि class 12th वाले तो बाद में आप stream change कर लो अपनी बाद में। The merit for the admission into the subject will only be based on their performance in the PCM subjects and the mandatory language in the CUET exam। आपकी जो भी percentage बनेगी वो PCM subjects के basis पे बनेगी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और फिर आप आर्ट्स कॉमर्स कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही होता था, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वो जो भी उनकी क्लास 12th में सब्जेक्ट होते थे उसके बाद वो दूसरे स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते थे उन्हीं के मार्क्स के बेसिस पे, सेम यहां पे रहने वाला है। सीयूईटी 2022 इंक्लूड्स 3 सेक्शन, 3 सेक्शन होंगे जिसमें
फर्स्ट सेक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विद 13 लैंग्वेज इन द फर्स्ट पार्ट, 20 लैंग्वेज इन द सेकंड पार्ट. एक लैंग्वेज में, फर्स्ट सेक्शन में, एक फर्स्ट ए में 13 है, फर्स्ट बी में 20 लैंग्वेज है, उसके बाद 27 डोमेन है, और उसके बाद थर्ड सेक्शन में एक जनरल नॉलेज या जनरल पेपर होने वाला है आपका, जो बीए वगैरह में आप एडमिशन लेना है तो आपके लिए मैंडेटरी होगा अपियर करना. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है कि आपको अलग से कोई कोचिंग नहीं लेनी है, कि अब आर्ट्स में आपको एडमिशन लेना है, साइंस के स्टूडेंट है तो आपको कोचिंग लेनी है, ये करना है वो करना है. जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं वही आपके आएंगे, उन्हीं में आप पास करो, अच्छे नंबर लो, फिर आप जो भी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो वहां पे आप अप्लाई कर दो. हर एक कोर्स में कैसे स्ट्रीम चेंज होगा, कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी इसकी लिस्ट DU आज शाम तक जारी कर देगी. जैसे ही लिस्ट जारी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारे चैनल DUBD पे. अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और DUBD चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. धन्यवाद.